हॉस्पिटल के सामने खड़े होके फूफू कर रहे। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हसमत, 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। किसी से जीता या हारा, ये फैसला कैसे करता है? मैं बहुत मेहनत करके इस रेस में शामिल हुआ हूं, इसमें जीता तो क्या मैं जिंदगी में जीत जाऊंगा या फिर? उस एक्सीडेंट में मेरी जान चली जाए तो मैं अपनी जिंदगी में हार क्या क्या? पिताजी से डांट खाने वाले बच्चों को ही पता होता है कि एडवाइस बुरी होती है। ऐसे राम सर के स्टाइल से मैं तेरे लिए एक फिल्म बनाऊंगा, तू क्या चाहता है? भाई, मुझे घर जाकर के झगड़ा करना है, कोई तो आइडिया दो ना यार। शराब शरीर और परिवार को नुकसान पहुंचाता है, फर्स्ट टाइम पीकर हम लोग बैड बॉय बनेंगे। सो तुम ये एक मारो, फिर पिताजी से ही नहीं तुम किसी के साथ भी लफड़ा कर सकते हो। ब्रो, अगर ये 3 मारा तो? मार सकता है, उसके बाद इसका बाप मेरे साथ लड़ेगा। भाई चीयर्स। ये तो एक बार में सीरियसली गटक गया। हाँ? क्यों भाई, तेरे घर में बहुत स्ट्रिक्ट है क्या? सिर्फ मेरे ही घर में नहीं यार, मेरे गांव में 75% लोगों के घर में ऐसा होता है। एक तो हमें पैसे वाला होके पैदा होना चाहिए था, और तभी हमसे कोई सवाल पूछने वाला नहीं होता है, और ना ही हमें कोई रोकने वाला होता है। हम अपनी मर्जी के मालिक, अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीते हैं, और अगर कोई रोके तो हमारे पास पैसा होता ही। ए, वहां देख, कार आ रही है। ए, ऐसा लग रहा है कि आज भी पैसे फेंकने वाला है ये। नहीं, ऐसी गरीबी में जीना होता है जिसमें हमारी जिंदगी हमारे हाथों में होती है। लेकिन हम तो मिडिल क्लास में पैदा हुए हैं।
पापा मुझे ये चाहिए। उसकी क्या जरूरत है तुम्हें, बहुत पैसे खर्च हो गए हैं अभी। भाई एक छोटी सी गाड़ी लेकर आओ, खर्च तो होता ही रहता है। ये लो बेटा। मिडिल क्लास में हमेशा ऐसा होता है, हम जो मांगते हैं हमें उससे छोटा ही मिलता है, लेकिन हमारी चाहत कुछ और होती है। जैसे कि मेरी चाहत साइकिल की थी, लेकिन मुझे साइकिल कैसे मिली मैं बताता हूँ। तेज चलाइए पापा, तेज। जब मैं छोटा था तो अपने पापा के साथ जा रहा था। पापा क्या मैं मॉप चला पाऊंगा? बेटा पैर बड़े हो जाएंगे तो चला लो। सो उसके लिए मैंने वेट किया। पापा पापा, मैंने मोपेड स्टार्ट कर दी पापा। उस दिन मेरे घर पे टीवी में एक ऐड आ रहा था। न्यू बजाज डिस्कवर, 1 लीटर में 80 किलोमीटर का माइलेज। क्या 80 किलोमीटर का माइलेज? पेट्रोल के दाम के हिसाब से ये गाड़ी सही रहेगी। पापा स्पीड अच्छी होगी ना पापा? स्पीड सिर्फ दौड़ती नहीं बल्कि उड़ती है। पापा के लिए एक बड़ी बाइक और मेरे लिए छोटी मोपेड। ठीक है, मेरे हिसाब से मैं उनसे कुछ मांगता हूँ। पापा मुझे एक साइकिल दिलाओगे क्या? ट्यूशन में सब लोगों के पास है पापा। ए, जो गाड़ी है वही रखने की जगह नहीं है। अभी हम नया घर बना रहे हैं ना, 6 महीने तक डिस्टर्ब मत करो। बेटा अभी तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। ये प्लान काम नहीं किया, अब इमोशनल होकर उनसे बात करता हूँ। पापा आपने आज तक मुझे क्या दिलाया है? आपसे एक साइकिल ही तो मांग रहा हूँ पापा। बेटा ये घर तुम्हारे लिए ही बनवा रहा हूँ। वहाँ देखो 50,000 खर्च करके स्टडी रूम बनवा रहा हूँ। पढ़ाई की उम्र में पढ़ाई करो, साइकिल तो कभी भी ले सकते हैं। ये प्लान भी काम नहीं किया। ठीक है माँ से जाकर बात करता हूँ। माँ पापा से बोलो ना। माँ पापा ने अभी क्या कहा? जाओ। माँ से तो पापा ही अच्छे हैं। ठीक है कहता हूँ कि स्कूल में मंगवाई है। स्कूल में सबको साइकिल पर आने के लिए कहा है पापा। ए स्कूल पास में है तो साइकिल की क्या जरूरत है? ओहो ये प्लान भी काम नहीं किया। कैसे कट करना है? भैया स्टाइल से कट कीजिए। आप छोटा करके काटो। पापा पापा ए, चुप रहो तुम। पापा ये शर्ट बहुत लूज है। अरे बड़े हो जाओगे तो फिट हो जाएगी। पापा मुझे दिवाली में पैंट शर्ट नहीं चाहिए, एक साइकिल दिलवा दीजिए ना। अरे मैं तुम्हारे लिए कितना खर्च करूं? अरे मेरे पिताजी तो मुझे कुछ भी नहीं दिलवाते थे। ठीक है पापा। उस एरिया में साइकिल का नाम लिया तो मैं ही एक मास था। उस एरिया में हलचल मचाने के लिए हमारा एक गैंग था और मेरी लाइफ में रेस आने का कारण मेरा लव था। एक्चुअली उस फातिमा को चूज मैंने नहीं किया, मगर उसका प्यार मुझे अट्रैक्ट कर रहा था। हम प्यार को ढूंढ नहीं सकते, हमें अपने आप ही उससे अट्रैक्ट होना चाहिए और उलट पुलट करना चाहिए। प्यार करेगा? भाई वो ये सब करता है। ब्रो कोई बात नहीं ब्रो, हम दोनों एक ही है। बाला मोटू बाला। ओके वो अपुन की लवर है। ब्रो फर्स्ट लव किसने किया ये जरूरी नहीं है, लड़की लास्ट में किसे प्यार करती है ये जरूरी है। वो लड़की तुमसे बड़ी है बे। ब्रो मैं शिम्बू का फैन हूँ। चल निकल, एक लगता है मुझे मारेगा, अच्छे से डील करना होगा। रुक जाओ ब्रो, ऐसे नहीं मार सकते। इससे रेस में मुकाबला कर सकते हो क्या? क्यों रे, क्या कहा? रेस करेगा क्यों भाई? बाला हाँ देखते तू कौन सा बाला है। लड़की भी मेरी और ये गन भी मेरी। बाला तुम उस छोटे बच्चे से हार जाओगे। ए चुप कर और देख यहाँ पर। अश्विन रेडी हो ना? ए ए ए ए ए ए ए डर मत, तेज चला।
डरने का नहीं रे। ए, ये तो स्किट मार रहा है यार, चल 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 चल, चल। इसने फिर से स्किट मारा यार, देख 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 देख, देख। चल 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 भगा 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 भगा। अरे उसे आगे मत जाने दे यार, और तेज भगा और तेज भगा। अरे भगा 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 भगा, इसे जीतने मत दे, तेज चला। पहली बार मोटू बाला को किसी ने गिराया है, इसको तो मैं देख लूंगा। ये क्या बात है, तूने तो कमाल कर दिया यार, तुझसे कोई जीत ही नहीं सकता। मुझे एक बार बाइक चलाने का मन किया। पहले चाबी डालना है, फिर बाइक को ऑन करना है, फर्स्ट गियर पे डालना है, फिर धीरे धीरे क्लच को छोड़ना है, एक्सीलेटर दिया तो बाइक धीरे धीरे मूव होगी। जा जा जा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चल चल, बढ़ 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 बढ़। ए, 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 अब सेकंड गियर संभाल कर चलाना। अरे यार, ये तो बाइक चला रहा है, ये कैसे हुआ? और अब थर्ड गियर, ये क्या बात है, ये चाबी नहीं है, यहाँ नीचे गाड़ी भी नहीं है। अरे पापा, पापा मैंने बाइक चला ली पापा, अब मुझे बाइक भी चाहिए। बाप रे, उसके बाद क्या हुआ दोस्त? तूने दोबारा बाइक को हाथ तो नहीं लगाया होगा? नहीं, उस दिन के बाद। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। इधर क्या है, मैंने तुम्हें मारा था अभी तक, गुस्सा हो क्या? आज के जमाने के लड़कों को गुस्सा बहुत आता है, अगर तुम कहीं गिर जाते तो ठीक है। ये देखो बाइक खराब हो गई है, वर्कशॉप में इसे धक्का मार के ले जाओ, और धक्का मार के ही ले आना। जब भी तुम्हें गाड़ी की जरूरत पड़ेगी ना तो चलाने के लिए दूंगा तुम्हें, ठीक है ना? जाओ जल्दी रेडी होकर आ जाओ। सुन, मुझे पापा ने बाइक देने का वादा किया है। अरे यार, तब तो हम बाइक पर घूमेंगे। कुछ लोगों को देखते ही पता चल जाता है कि वो जिंदगी में आगे क्या बनने वाले हैं। ये है रॉबिन, सुपर 100 का फॉर्मर रेसर। बाइक, रेस, रॉबिन, ये तीन बातें अश्विन की जिंदगी में आने वाली हैं। ये है मैकेनिक शॉप का शिवा। इस मैकेनिक शॉप शिवा के बारे में बताऊं तो नाड़ी, नस और खून, इन सब में इसकी बाइक का ही जोश भरा हुआ है। इस एरिया का यही बेस्ट मैकेनिक है, फिर भी लोग इसकी दुकान में आने से डरते हैं। अरे इस बार क्या बोलेगा पता नहीं। भाई मैंने गलती कर दी भाई, इस बार थोड़ा बाइक ठीक करके दे दो ना। गाड़ी का ख्याल कैसे रखना पता है, हैं? पता है बाइक का भी दिल होता है, उसमें ऑयल डालते हैं और वो उसका खून होता है। आज तो मैं गया। निकल जा निकल जा। भाई गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, मैं इसे धक्का मार के ले जाता हूँ। इस एरिया का सबसे बड़ा मैकेनिक मैं हूँ, किसी भी बाइक को छूकर बता सकता हूँ कि उसमें खराबी क्या है। ये जो दिख रहा है ना वो नस है, झुक कर देख, देख ना, ये है चोक, ये है गर्दन, समझे? कुल मिलाकर आप और मैं दोनों डॉक्टर हैं, समझे ना? आप इंसान को देखते हो, मैं मशीन को देखता हूँ, बस यही फर्क है। तो मैं हुआ डॉक्टर शिवा मैकेनिक, बोर्ड लगा दूं क्या? ब्रदर ये गाड़ी मेरी जान खा रही है ब्रदर, थोड़ा जल्दी करो ना प्लीज। लगता है इसे मेरी बात पसंद नहीं आई। ए, इस बाइक को चेक कर भाई। क्या है? कुछ नहीं भाई, ये मेरा दोस्त है, इसे काम की जरूरत है। इस बोर्ड में जो टूल्स लगे उनके नाम बताओ, उसके बाद देखूंगा। भाई ये अनपढ़ है, इसीलिए तो मैं इसे यहाँ लाया हूँ। सुन, मैं तुझे सिखा नहीं सकता, तुम में इंटरेस्ट होगा तो सीख सकते हो। चलो हम बाला की दुकान में चलते हैं, ये तो पढ़ाई का सर्टिफिकेट भी मांगेगा। हे, वो तुझसे गाड़ी साफ करवाएगा। हे, इस तरह का इंजन नहीं देखा होगा, मेरे सामने आकर सीख। भाई मेरे साथ कस्टमर की तरह बात करते हो, अगर ऐसा करोगे तो काम छोड़ के चला जाऊंगा, जो काम मैं जानता हूँ मेरे लिए बहुत है। छे,
किसी को भी सीखने में इंटरेस्ट ही नहीं है। इसकी बाइक के जोश की बात सुनने से सारा गांव भागता है, लेकिन वहां एक नया जोश कदम रखेगा ये किसी को पता नहीं है। भाई मुझे बताओ ना भाई, ये क्या है? आजा आजा मैं तुझे सिखाता हूँ। ये क्या जानते हो? क्रैंक। और इसे कहते हैं स्पैनर, और इसको कहते हैं टैंक। बाइक में गियर डालकर बस हमें चलता ही जाना चाहिए। उसने पकाया फिर भी मेरे दिमाग में बाइक ही घूम रही थी। अरे अरे टाइम हो गया। अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं, एक घंटे के लिए गेम खेलता हूँ। दीवार पे कुछ मत चिपकाना। मैंने जैसे ही बाइक की फोटो बनाई वैसे ही बाइक बाहर आकर कैसे खड़ी हो गई? भैया ये क्या है? भैया प्रेशर चेकर है। और ये टनल फिटर है। ये टर्बो साइलेंसर। और ये स्पैनर। भाई और ये इतना छोटा क्यों है? भाई ये क्या है? ये मुझे बहुत तंग कर रहा है। अरे अरे भाई कहाँ जा रहे हो? भाई बताओ तो ये क्या है? अरे रुक ना यार। भाई 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 रुक जाना, ये बस चिल्लाता ही जा रहा है। बताओ ना। क्यों रे तुझे इतना बाइक में इंटरेस्ट क्यों है? मेरे जैसा मैकेनिक बनना चाहते हो? भाई मुझे रेस में बहुत इंटरेस्ट है। तुम्हें मैकेनिक की कीमत पता है? ठीक है अपने दोस्त से बोलकर तुझे मोटो जीपी में एडमिशन दिलवा दूंगा। भाई आप वहाँ एडमिशन करा देंगे? ट्रेनिंग के लिए तुम्हारे पिताजी पैसे भरेंगे। ठीक है भाई मैं उनसे बात करता हूँ। क्या है बेटा आज क्या मांगने वाले हो? पापा मुझे बाइक चाहिए पापा। अरे लगता है तुम अपने पिताजी की तकलीफ को समझने लगे हो। मैं 10th पास करके बाइक रेस की कोचिंग के लिए जाऊं क्या? हे क्या बोल रहे हो, बाइक रेस? वो भी तो एक स्पोर्ट्स ही है ना पापा। अभी 10th में हो बेटा, इस उम्र में पढ़ना चाहिए, स्पोर्ट्स में तो कभी भी शामिल हो सकते हो। 10th पूरा करने के बाद पापा। ठीक है वो बाद में देखेंगे, तुम अभी पढ़ाई पे ध्यान दो। साइलेंस। 10th क्लास का आज आखिरी दिन है, किसी को मारना नहीं चाहती मैं। 10th कोई पढ़ाई नहीं है, प्लस 2 ही आपके लाइफ का डिसीजन लेगा। ओके ना नरेंद्र? तुम बताओ क्या बनना चाहते हो? मैम मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। वेरी गुड। नेक्स्ट। मिस मैं डायरेक्टर बनूंगा। ए साइलेंस। तो तुम मुझे काम दोगे ना? हाँ, जरूर दूंगा मिस। बैठ जाओ। तुम बताओ तुम क्या बनना चाहते हो? मिस मैं मोटो जीपी ज्वाइन करूंगा मिस। क्या जीपी? ए साइलेंस। मोटो जीपी में बाइक की रेस होती है मिस, मैं वो ज्वाइन करके रेसर बनूंगा। लड़के यहाँ वहाँ बाइक से एक्सीडेंट करके मर रहे हैं और तुम्हें रेसर बनना है? हाँ दिमाग खराब हो गया है क्या? कैसा लड़का है, पढ़ाई में तुम्हारा मन नहीं है। अपने पापा से बोलो मुझसे मिले, बाइक के पीछे पागल है ये लड़का। नोटबुक में स्टिकर, हाथ में स्टिकर, इसका फ्यूचर तो खत्म है। इस पर आप ध्यान देते भी हैं या नहीं? ट्यूशन जाता है या नहीं? ट्यूशन तो जाता है मैडम, इसका ग्रेड भी तो अच्छा आता है। क्या ग्रेड है सर? 8th से लेकर 12th स्टैंडर्ड के बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं। अशोक नगर में 12th के मैथ्स के लिए बेस्ट ट्यूशन चल रही है, आपको पता है? नहीं पता है मैडम। हमारा ही ट्यूशन सेंटर है, वहाँ ज्वाइन करवाइए, अच्छा रिजल्ट आएगा। पापा टीचर को बाइक के बारे में कुछ भी नहीं पता है। किसे? मुझे नहीं पता, कुछ भी बोलता है। इतनी पढ़ाई करके टीचर बनी है वो, जो वो जानती है तुम जानते हो क्या? और सुनो तुम्हें बाइक पसंद है ये बात मैं जानता हूँ, तुम्हें दिलवा दूंगा, लेकिन आज से रेस मोटो जीपी ये सब नहीं चलेगा, तुम इकलौते बेटे हो मेरे। पापा ए, चलो। इन सब का कारण ये सोसाइटी है, और ये सोसाइटी क्या है? सिर्फ ये 4 लोग और उनकी पहचान के और 40 लोग, उनके अगल बगल के 400 लोग हैं। ये सारे लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं तो पूछते हैं आपका लड़का क्या कर रहा है, कौन सी पढ़ाई कर रहा है,
उसे नौकरी मिली या नहीं, शादी कब करवाएंगे आप उसकी, शादी हो गई तो बच्चा कब होगा, उस बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे या इंजीनियर, इस तरह के हजारों सवाल वो हमसे पूछते रहते हैं। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, इनके साथ हमें अपनी जिंदगी जीनी पड़ती है, कोई बड़ा रिस्क ना उठाए इसलिए इस तरह की बाउंड्री हमारे अगल बगल बनी जाती है। आखिर में जिंदगी मेरे दादा को मिले बादाम वाले दूध की जैसी है। वो ये क्या है, तेरे दादा का बादाम वाला दूध? मेरे दादा को मेरी दादी के हाथ का बादाम वाला दूध बहुत पसंद था। वाह 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 वाह, सोना और दूध है बिल्कुल तुम्हारे जैसा। आप पीना डेली सुबह सुबह दोपहर में और रात में मेरे दादा बिना दूध के रह ही नहीं सकते थे। और एक दिन मेरे दादा बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने कहा कि मेरे दादा को हाई शुगर है और उस दिन के बाद से बादाम का दूध बंद हो गया। और उस दिन के बाद से दादा मेरी दादी से बादाम वाला दूध पीने के लिए विनती करने लगे, प्यार से मांगने लगे, यहाँ तक कि जमीन पर लेटकर भी मांगने लगे। यहाँ तक कि दादा मरते वक्त भी बादाम वाला दूध ही मांग रहे थे। अब तो मुझे बादाम वाला दूध पिला दो एक बार। नहीं जी, आप मर जाएंगे। मर ही रहा हूँ। ए जी, आप मुझे अकेले छोड़ के चले गए। पता है दादा को बादाम का दूध कब नसीब हुआ, खुद देख लो। इससे तुझे क्या समझ में आया? ए, उस बूढ़े के लिए क्यों बादाम वाला दूध? क्या? सॉरी यार, बादाम वाला दूध। अरे नहीं यार, लाइफ में जो चीज टाइम पे ना मिले उसे कहते हैं बादाम वाला दूध। मेरे दादा का बादाम वाला दूध। अरे ये कौन है भागीरथ? ब्रो। अरे अरे सॉरी सॉरी ब्रो। मेरी जिंदगी भी ऐसी है यार। हा? मैंने अपने पापा को हीरो समझा था। किस फिल्म में था ब्रो? ब्रो तूने सिर्फ एक ही पैक मारा है ना, वो मेरी लाइफ के विलेन बन गए ब्रो। अभी देख मैं विलेन बनूंगा। ऐसे क्यों पी रहा समझ में नहीं आ रहा। हमेशा लड़के अपने पिता को हीरो मानते हैं, लेकिन पिता बेटे को हीरो मान ले तो? अबे उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, लगी तो नहीं? क्या हुआ यार, गिर गया, कोई बात नहीं, होता रहता है ये सब। क्या बात है भाई? क्या यार, हमेशा ऐसे काम करवाते हो, मैं इस तरह की बेट्स नहीं लगाता हूँ यार। टेंशन क्यों ले रहा है यार, कल का स्टंट सीख कर हमसे मुकाबला करने चला था, सबक तो सिखाना पड़ेगा ना। इसलिए दोस्त लाइफ में मास होना बहुत जरूरी है। हाँ भाई हाँ। ये स्टंट वगैरह छोड़, चल रेस लगाते हैं। ब्रो मैं उसमें शामिल नहीं होगा। शामिल होगा या नहीं पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ तेरे को। नहीं हुआ तो क्या कर लेगा? कट कट कट, मुझे ये सीन नहीं चाहिए था यार, तू कुछ भी करता। क्या है यार, सीन तो अच्छा था। नहीं नहीं नहीं, मुझे ये सीन नहीं चाहिए। तूने नहीं बोला था ना मास करना है। इतना मास मेरी पहली फिल्म के लिए इतना मास जरूरी नहीं क्या है यार। तू भी ना, अब तो मेरा भरोसा ही उड़ गया है।
तो वो फिल्म नहीं बना पाएगा। दोस्त उसके लिए एक न एक दिन सही समय जरूर आएगा। कोई बात नहीं, दो लो एंगल, चार वाइड, सारा सीन खत्म हो जाएगा। अरे सीन ही नहीं है, कह रहा हूँ ना। क्या यार तू भी ना, एक सीन नहीं ले पाया। शिवा ने मुझे बुलाया, मैं जाके उससे मिल के आता हूँ। ए, इवनिंग में राशि की रेस है, पहुंच जाना तुम लोग। कुंभ राशि विशाखा नक्षत्र, उसके सामने तुम बाइक की बातें मत करना, बता देना। क्या जानते हो? ये भी तू सही कह रहा है, बाइक पसंद है इसलिए 46 नंबर का स्टिकर लगाकर घुमा रहा हूँ। ये मेरे घर का नंबर है, तूने बाइक पर क्यों लगाया ये बोलकर मुझसे लड़ रहा है। एक बाइक तो ले ले यार। मैंने मांगा था यार, वो बाइक ही नहीं दिलवा रहे। उसके लिए तुझे थोड़ा हार्ड होना पड़ेगा। कैसे? इसके लिए एक फॉर्मेट है यार, बताता हूँ। हमेशा घर में बार बार बाइक मांग कर टॉर्चर करने के टाइप्स। टाइप 1, भूख हड़ताल। अरे ये तो नहीं खा रहा है। नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा मैं। दो दिन से कुछ नहीं खाया है तूने, थोड़ा सा तो खा ले बेटा। नहीं खाऊंगा मैं, नहीं खाऊंगा। दिलवाती हूँ खा। टाइप 2, खुदकुशी करने की धमकी। पिताजी मैं नीचे कूद जाऊंगा। ए चुपचाप नीचे उतर। अब बाइक दिलाओगे तो ही नीचे उतरूंगा। अगर मैं ऊपर आया ना तो मार डालूंगा तुझे। तुम क्या मारोगे, मैं खुद ही कूद के मर जाऊंगा। अरे ठीक है बाइक दिलवा दूंगा, चल नीचे आ जा। बाइक दिलाओगे? हाँ, सीढ़ी से उतर के नीचे अभी आता हूँ। टाइप 3, घर छोड़कर चले जाना। बेटा घर वापस आ जाना। नहीं माँ, मैं घर वापस नहीं आऊंगा, कहीं भी चला जाऊंगा, बस हो गया। अरे तुझे बाइक की जरूरत है पर हमें नहीं है। मुझे परिवार नहीं चाहिए माँ, मैं यहाँ से कहीं बहुत दूर चला जाऊंगा। माँ बेटा अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर, माँ की बात मान ले। ये जिंदगी बाइक के बिना अधूरी है माँ। ठीक है मैं बाइक दिलवाती हूँ, तू घर आ जा। बाइक दिलवाऊंगी ये कंफर्म तो है ना माँ? हाँ मैं दिलवाऊंगी, अभी तू कहाँ है? घर की छत पर हूँ। ये बताओ कि कौन सी बाइक दिलवाओगी माँ? फिर क्या, बाइक खरीद कर मॉम्स गिफ्ट, डैड्स गिफ्ट ऐसा स्टिकर लगाकर बाइक पर घूमेगा। अरे यार नई बाइक ली है क्या? देखा ना तेरा जूनियर है, बाइक खरीद ली उसने उसी टेक्निक से। अच्छी बाइक है, बाइक क्या सुपर है यार। ठीक है यार मांगता हूँ मैं। दोस्त तुम्हारे घर के सामने वाला डॉक्टर है क्या? हाँ इसमें डॉक्टर का स्टिकर लगा है। हाँ डॉक्टर है और उसकी बीवी नर्स है। चल चुपचाप यहाँ से बाइक निकाल, पता नहीं किस बात का असिस्टेंट हो मेरे। माँ इतनी देर क्यों लगा दी? टेलर ने देर कर दी बेटा, पापा को बाइक चाहिए इसलिए बार बार फोन कर रहे थे। माँ मुझे काम है। पापा को किसी जरूरी काम से जाना होगा बेटा, इसीलिए मैं उनसे बाइक खरीदने के लिए कह रहा हूँ। ठीक है उन्हें छोटी सी बाइक खरीदने को कहती हूँ। छोटी बाइक नहीं चाहिए माँ, स्पोर्ट्स बाइक चाहिए। तुझे स्पोर्ट्स बाइक क्यों चाहिए? माँ मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ, आपको ये नहीं पता है क्या? छोड़ो पापा से बात करती हूँ मैं। तो अभी कैसे जाऊँ? तुम अपने फ्रेंड्स के साथ चले जाओ ना। एक बाइक खरीदने के लिए कितना बोलना पड़ रहा है इन लोगों से। मेरा हमेशा का यही ड्रीम था कि कॉलेज में अपनी बाइक से जाऊं, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। अभी भी मैं ट्रेन से जा रहा हूं, मेरी लाइफ में कोई बदलाव नहीं आया। हाउसिंग बोर्ड के जरिए मेरे पिताजी ने एक घर बनवाया, हम उसी में शिफ्ट हो गए। डैडी मम्मी घर पर नहीं है, सिनेमा देखने का मन कर रहा है, चलो देखें। ये नहीं है, फास्ट एंड फ्यूरियस 1, फास्ट एंड फ्यूरियस 2, फास्ट एंड फ्यूरियस 89। इस वक्त कौन फोन कर रहा है? अरे यार, हाँ बोल। भाई मुझे तेरी मदद की जरूरत है यार। क्यों? तुम्हारे पिताजी घर पे नहीं है, बाइक लेकर आनी है, यही ना? यार तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ए, बस मैं इसी बात के लिए तेरी सारी बातें सह लेता हूँ। हाँ ठीक है, मैं 5 मिनट में एक फिल्म देख कर आता हूँ। 5 मिनट में? ऐसी कौन सी फिल्म है भाई? अरे यार तू नहीं समझेगा, फास्ट एंड फ्यूरियस। चुपचाप फोन रख, ये तो बहुत टॉर्चर करता है। अरे ये क्या लाइट चली गई? ये लाइट को भी अभी जाना था क्या? अरे मैंने चाबी कहाँ रख दी याद नहीं आ रहा है। 2013 के बाद तमिलनाडु से बहुत से रेसर MotoGP चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किए, इसीलिए इस रेसिंग को बहुत बड़ा एक्सपोजर मिला। सुन यार मैं अभी आ रहा हूं। हाय भाई। क्यों अश्विन देखा क्या?
भाई आज अपने एरिया में बहुत बड़ा सीन हो गया, एक स्टंट करूंगा बोलकर बहुत ही ओवरसीन कर दिया, इसलिए मैंने अश्विन को ले जाकर उसे दबा दिया और वो टेंशन में वंस का वंस रेस रखेंगे ऐसा कहा है। फिर क्या, आज उस रेस में जाने के लिए ये मना कर रहा है ना। भाई ये एक शॉर्ट फिल्म की कहानी है, इसके साथ आने पर मुझे मार खानी पड़ती है। भाई इसकी बात छोड़िए ना, देख अश्विन मैं तुझे रेस में जाने से मना नहीं कर रहा हूँ। जब मैं तुम्हारी उम्र का था मुझ में भी जोश था, हम लोग भी बाइक से बहुत कमाल दिखाते थे, बहुत सारे खेल खेलते थे। मेरा एक दोस्त था, एक हीरो के जैसा लगता था उसका, और मेरा मोटो जीपी में शामिल होने का बहुत बड़ा सपना था। वो एक लड़की से प्यार करता था, वो अपने प्यार के लिए रेस में गया था, बहुत स्पीड में बाइक चला रहा था, रास्ते में एक छोटा गड्ढा था, सीधा उसमें स्लिप होकर डिवाइडर से टकरा गया, सर फट गया, खून बहने लगा, मेरे ही सामने वो तड़प तड़प कर मर गया। उसके बाद मैं उसे अपने हाथों से उठाकर वहां से ले गया था। भाई आपके कहने पे मैं प्रोफेशनल रेस में शामिल होना चाहता हूँ, नॉर्मल रेस में मैं शामिल नहीं होऊंगा। भाई पिताजी की साइन के बगैर मोटोजीपी में शामिल होने का चांस है क्या? ए, कोई चांस होता तो मैं खुद ही तुझे शामिल करवा देता। पैसे चाहिए तो मैं थोड़े बहुत कहीं से अरेंज कर सकता हूँ, अगर ये नॉर्मल स्पोर्ट होता तो मैं एनुअल मीट में अपने आप को प्रूफ कर देता। किसी कोर्स के लिए पिताजी लाखों रुपए खर्च करने के लिए रेडी हैं, लेकिन मेरी पसंदीदा चीजों के लिए नहीं। वहां देखिए भाई, मेरे से भी छोटा लड़का रेसिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। ये सब एक कहानी होती है अश्विन, मेरा ही उदाहरण ले लो। मैं यहाँ से मलेशिया गया था रेस की मशीन बनने के लिए, पागलों जैसा 5 साल मेहनत किया, फिर मुझे लाइन में खड़ा कर दिया। वो लोग सिर्फ अपने देश के लोगों को चांस देते हैं, लेकिन मेरा 5 साल बर्बाद हो गया। फिर मैं इंडिया वापस आ गया, यहाँ आने के बाद भी मेरा जोश खत्म नहीं हुआ, मैं रेस में शामिल हुआ और डार्क रेस में भी शामिल हुआ, और वहाँ रॉबिन के साथ मेरा परिचय हुआ। अरे बाप रे, मुझे उस रेस की जरूरत नहीं है, मैंने ऐसा सोचा। फिर मेरी शादी हो गई और बच्चे हो गए, बच्चे होने के बाद मैंने एक दुकान डाली। भाई ये डार्क रेस क्या होती है? तुझे ये जाने की जरूरत नहीं है। अरे कहीं फिर से मर गया। देखो इन लड़कों के लिए मैं रेस बाइक रेडी कर रहा हूँ, मैं वापस फील्ड में आ गया ना। हाँ मेरे कहने का ये मतलब है, अगर मैं अपने पसंद का काम करूँ और हम उसमें जीत हासिल करते हैं, कहने का मतलब है कि जो हम दिल से करते हैं वही जीत है, समझे ना। तुम्हें बाइक बहुत पसंद है तो अपने पिताजी से मांग लो ना। मैं भी तो वही मांग रहा हूँ ना। ए यामा में R3 बाइक आई है, बहुत सुपर है, मैं देख के आ रहा हूँ। शिवा। हाँ आता हूँ। R3 ये कैसी बाइक है भाई, जरा देखना। अच्छा बाइक का नाम क्या बताया? R3। अरे यार सुपर्ब है, ये तो कमाल है। ए, फास्ट एंड फ्यूरियस की बाइक जैसी लग रही है। फास्ट एंड फ्यूरियस? यार टाइम क्या हो रहा है यार, फिल्म लगा कर आया हूँ, शुरू हो गई होगी, मुझे देखनी है। अरे क्या हो गया भाई, लाइट आ गई होगी, फास्ट एंड फ्यूरियस देखनी है। सुनना यार, कहीं कोई और ना देख ले। कैसे गाड़ी चलाते हो? पापा मैंने आपसे बाइक के लिए बोला था ना। अश्विन मैं तुम्हें पहले भी बोल चुका हूँ, 3.5 लाख की बाइक मैं कैसे खरीद सकता हूँ? छोटी बाइक होती तो चलता, पहले इस घर पे इतना लोन है। फालतू में मुझे डिस्टर्ब मत करो। आप हमेशा यही करते हैं पापा, ग्राफिक्स के लिए गेमिंग कंप्यूटर मांगा था मैंने, पढ़ना ही तो है, छोटा कंप्यूटर दिला दिया आपने, और जब मोबाइल मांगा तो पैसे नहीं है बोल के छोटा फोन दिलाया। आपने जो कोर्स कहा मैं पढ़ रहा हूँ ना, आपने मुझे रेसिंग में भी शामिल नहीं होने दिया, मेरे रूम का पेंट भी आपकी पसंद का है। खैर ये सब छोड़िए पापा, बस आप मुझे एक बाइक दिला दीजिए पापा, उसके बाद मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा, प्लीज पापा। बाइक खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, लेकिन उस पर तेरी माँ नहीं बैठ पाएगी, और ऐसे रोड पे कैसे चलाओगे वो बाइक तुम? बेटा हम बाइक चलाने के लिए लेते हैं ना, छोटी भी चल जाएगी। मुझे बाइक चाहिए ही नहीं पापा, जब भी आपसे कुछ कहता हूँ आप कोई ना कोई बहाना बनाते हैं, कैसी लाइफ हो गई है मेरी। हे, शाम को कोटेशन लेकर के आना, मैं तुम्हें बाइक दिलवाता हूँ। यस,
किया। हे भाई, पापा बाइक दिलवाने के लिए रेडी हो गए हैं। ये तो क्या कह रहा है? कल कोटेशन लाने को बोले। सुपर्ब, कब चलना है? कल सुबह ही चलते हैं ना। हाँ, चलो सुबह चलेंगे। मैं जीत गया मेरे भाई। रेडी रेडी रेडी, यस। इस सीजन में इस तरह से बारिश, पूरा मौसम बदल रहा है। सही कह रहा है। अरे तुम बारिश में भीग कर आए हो? पापा, बाइक का कोटेशन है, बारिश में भीग के लाया हूं इसे। अरे सुनो, जरा टॉवल लेकर आओ। जी, अरे तू बारिश में भीग कर क्यों आया है? हाँ, ये वेंकट सर हैं। हाय सर। हेलो। तुम इनकी तरह एक बड़े आदमी बनो, ऐसा मेरा सपना है। ये है मेरा बेटा अश्विन। मार्केट में कोई नई बाइक आई है ना, वही खरीदने की जिद कर रहा है। बेटा, तुम कोटेशन लाए हो ना, जरा सर को दिखाओ। हाँ, यमहा R3 बाइक है सर। ओके। यमहा की लेटेस्ट मॉडल है, बाइक सुपर है। हाँ। स्पाइक्स भी बहुत बढ़िया है। लेकिन इस प्राइस में आप एक कार भी खरीद सकते हो। हाँ? कार? वो कैसे? बेटा, बड़ा हो गया है, कार रहेगी तो अच्छा रहेगा। इट्स ए टाइम मूर्ति। आप ज्यादा सोचो मत, मेरे क्लोज फ्रेंड का एक शोरूम है, आप फ्री टाइम में आ जाओ, मैं आपका परिचय करवा दूंगा। मेरे 10 साल का सपना एक लफ्ज में बर्बाद हो गया। अरे वो बड़े आदमी है, उसने कहा बाइक मत खरीदो, मुझे भी फालतू में खर्च नहीं करना है, बस एक छोटी सी बाइक ले लो। मुझे छोटी बाइक नहीं चाहिए। वो बाइक मैं नहीं दिलाऊंगा। अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए। देख रहे हो इसे? रुक जाइए। सुनो, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो कमा के ले लो। ये क्या कर रहे हो तुम? जी, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो कमा के ले लो। जिसने ये लफ्ज ना सुना हो, ऐसा कोई भी मिडिल क्लास का आदमी नहीं होगा। ऐसी बातें सुनते ही हमें ये लगता है कि हम दूसरे पे डिपेंड हो गए हैं। उसके बाद से मैंने अपने पापा से कभी कुछ नहीं मांगा और अपनी लाइफ में जैसा सोचा वैसा बदलाव आया। मैंने अपने पैशन में कुछ भी बड़ा नहीं किया, तो भी मेरे पिताजी ने जैसा चाहा वैसे ही कॉलेज खत्म होते ही मुझे एक नौकरी मिल गई। लेकिन अभी मेरी लाइफ मेरे रूल्स हैं और सब कुछ स्लो मोशन में चल के मेरी तरफ आ रहा है। और मेरे पापा ने मेरे लिए एक प्लान बनाया। वो प्लान ये था कि मुझे अपनी सारी सैलरी घर में देनी होगी, वो भी इसलिए क्योंकि मेरे पापा घर का दूसरा फ्लोर बनवाने वाले थे। वो इसलिए क्योंकि अरे बहुत अच्छे लग रहे हो। बेटे की नौकरी लग गई है। हाँ, अच्छी बात। अब इसकी शादी करनी है। हाँ, क्यों नहीं। शादी के बाद खुश रहना। मेरी शादी करवाएंगे, अच्छी बात है। कुछ बातें ऐसे ही हो जाती हैं और उस पर हमारा कोई जोर भी नहीं होता है।
जिस सिचुएशन में मैं गुजर रहा था उसी सिचुएशन में गुजरने वाला एक लड़का मुझे मेरे ऑफिस में मिला। अरे हाय, ग्लैड टू मीट यू। हाय। घर वालों ने अपनी चाह पूरी करने के लिए हमारे लिए बहुत बढ़िया प्लान बनाया था। आपको पता चल गया क्या? पता नहीं चलेगा। अगर पता चल गया तो? No, man. अगर ये करके फंस गया तो? Impossible. Love crying. In the year, रात की 2 बजे होगा। मुंबई अभी अभी हुआ होगा। बस बाइक मिल जाए यार। मिशन में उतर जाना चाहिए। मुझे एक डाउट है यार, हमारे लोन के बारे में घर में पता चला तो? नो प्रॉब्लम, मेरे पास एक आइडिया है। होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, इस तरह का कोई भी लोन चाहिए तो हम करके देंगे सर। इस लोन के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। 2 पासपोर्ट साइज फोटो और 1 आपका ID proof दे दीजिए, बस आपका साइन हम ही कर देंगे। लेकिन एक खास बात सर, मेरा वो कमीशन। टोल डिवाइडेड बाई 2, तो इसमें हम दोनों को 6-6 लाख रुपए मिलेंगे। टेस्टी समोसा यार, वाह, रोज मिल्क। लगता है इस दुनिया में हमारी चाहत को रोकने वाला कोई भी नहीं है। हम सब कुछ पूरा कर सकते हैं, सब कुछ खरीद भी सकते हैं। एक बड़ी सी लिस्ट बनाएंगे। हे वो गाड़ी देख, अरे यार वो गाड़ी देख लो, उस गाड़ी को भी खरीद लेंगे। हे हे, सॉरी बॉस, सॉरी बॉस, मुझे लोन मिल जाएगा बॉस, सॉरी। अरे बाप रे, पैसे आने के बाद वो सब खरीदेंगे मैंने ये सोचा था, लेकिन अगर बाद में पैसे आए तो कुछ भी खरीदने का मन नहीं करेगा, इसलिए कुछ ना कुछ तो खरीदना ही पड़ेगा। ये इतना फालतू खर्च क्यों कर रहा है, इसे थोड़ा संभल कर खर्च करना चाहिए ना। अच्छा भाई, इसकी कीमत क्या है? 49,000। अबे तू ये क्यों खरीद रहा है यार? जब मेरी बाइक आएगी ना उसकी फोटोज निकालूंगा। ओके। कैमरा लेने के बाद मेरा फोटोग्राफी टैलेंट इम्प्रूव होने लगा। मेरे आसपास की खूबसूरत चीजों की मैं फोटो निकालने लग गया। कभी फूलों की, कभी तितलियों की, तो कभी पौधों की, पेड़ों की, कभी आसमान की, तो कभी धरती की, कभी धरती पे चलने वाली ट्रेनों की, तो कभी ट्रेन के अंदर से भी। किसी के लिए प्यार होता है ना तो वो आपको आसानी से पता चल जाता है, क्योंकि वो हमारी नजरों को बहुत खूबसूरत लगता है। ठीक है, एक फोटो निकाल लेता हूं इसकी। हिलना नहीं। फोकस ही नहीं था यार। हेलो, क्यों फोटो ब्लर आ गई क्या? सॉरी मैम, सॉरी मैम, घबराओ मत, बैठ जाओ। इट्स ओके, इट्स ओके। फोटोग्राफी मेरा पैशन है। वो पुल क्रॉस हो रहा था तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट स्टॉप आएगी ना तो मैं आपको पुलिस स्टेशन छोड़ कर आऊंगी, ठीक है ना? पुलिस स्टेशन? मैम हां। अरे यार, वैसे आप करते क्या हो ये बताओ? महिंद्रा में काम करता हूं। आईडी दिखाना। मैम आपकी साइट प्रोफाइल अच्छी लग रही थी इसीलिए मैंने आपकी फोटो ले ली। मैडम जरा दिखाना कैसी है आपकी फोटोग्राफी। अच्छी है यार, इसे फोटोग्राफी कहते हैं। हाँ, वो तो ब्लर हो गई थी ना। अच्छा ये देखिए, फोटोग्राफी तो अच्छी है आपकी, लेकिन आदमी सही नहीं लग रहे। आइंदा ऐसा मत करना, लास्ट चांस है ये। ये लड़की तो बहुत ही स्ट्रिक्ट है। मैम इस एंगल से आप और भी अच्छी लगेंगी। अभी कंप्लेन करनी है या नहीं करनी है इसका फैसला नहीं किया। बाप रे, सॉरी 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 मैडम। उस दिन के बाद पता नहीं क्या हो गया मुझे, मैं हमेशा खुश रहने लगा। मेरी लाइफ में एक अजीब सा चेंज आ गया। तूने कुछ खरीदा क्यों नहीं? बस ऐसे ही यार, अपने अकाउंट में पैसे देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। ओके ओके, अच्छा
बेटा दूध पी लो, इतनी देर से अंदर क्या कर रहे हो? एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। ठीक है मैं भी देखती हूँ, हटो। अभी नहीं दिखा सकता हूँ, बाद में दिखाऊंगा। कौन सा प्रोजेक्ट है पता नहीं। ब्रो ये कितने का? ब्रो ये कितने का? थैंक्स ब्रो, नई गाड़ी ली क्या? बस लेने वाला हूँ अभी से। सर आपकी बाइक आ गई है, बस हम लोग चेक कर रहे हैं। अच्छा आ गई क्या? जी आ गई है। वहां जाके देख सकते हो? जी देख सकते हैं। ठीक है मैं वहां जाके देख लेता हूँ। जैसी फीलिंग एक टीन एजर लड़के के अंदर होती है ना अपनी लवर को प्रपोज करने के लिए, सेम उसी तरह की फीलिंग मेरी थी जब मैं अपनी बाइक के सामने था, अपनी ड्रीम बाइक के सामने था। लैपटॉप टीवी कमाल कर रहा है यार तू। हेलो हेलो, मैं लावण्या बोल रही हूँ। लावण्या कौन? उस दिन ट्रेन में फोटो। हाँ 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 बोलिए मैडम। एक्चुअली मैं आपसे मिल सकती हूँ क्या? हाँ क्यों नहीं। इस फ्राइडे को फ्री हो क्या? वैसे आपके लिए मैं हमेशा फ्री हूँ। पुलिस स्टेशन की बात भूल गए क्या? वो क्या मैं, हुआ? वो Hello? आप फ्राइडे मिलने को बोलिए ना, एक्चुअली उस दिन मुझे कुछ जरूरी काम है। हेलो डरने की जरूरत नहीं, पुलिस स्टेशन के पास एक कॉफी शॉप है, वहाँ आ जाना। कॉफी शॉप, फिर तो ठीक है। तो फिर 6 बजे हम मिलते हैं, शाम को 6 बजे चलेगा ना? ओके ओके अश्विन। हाय हाय, एक्चुअली हम एक ही बार मिले हैं और मैंने आपको दोबारा मिलने को बुलाया तो बुरा मत मानना। नहीं नहीं इसमें क्या गलत है, कुछ काम होगा इसीलिए आपने मुझे बुलाया। ये बात आपको कैसे पता? सुनिए जी, बिना काम के कोई लड़की किसी लड़के को नहीं बुलाती है। अरे अरे आप तो सीरियस हो गई, मैंने तो मजाक किया था। वैसे बताइए ना क्यों बुलाया मुझे? मुझे एक आदमी से बदला लेना है। हाँ बदला लेना है? हाँ मैं अभी एसआरएम में पढ़ रही हूँ, मुझे बीबीसी में न्यूज रीडर बनने की इच्छा है, इसलिए एक लोकल चैनल में जाकर इंटर्नशिप मांगी थी। तो अभी हीरो हीरोइन की हेल्प करने वाला है, उसके बाद उन दोनों के बीच में प्यार हो जाएगा, ऐसा हिंदी फिल्मों में होता है। सभी फिल्मों में ऐसा ही होता है। क्या? हाँ कुछ नहीं सर, आपसे मिलने एक लड़की आई है। नमस्ते। नमस्ते सर, मेरा नाम लावण्या है, सुदर्शन सर ने मुझे भेजा है, आईटी हेड। हाँ बताया था। अच्छा ये बताओ कि आप सुबह आएंगी या शाम में साइन करने के लिए? सर सुबह मेरे लिए कम्फर्टेबल रहेगा, मैं ऑब्लिगेशन चाहती हूँ सर। हाँ, ठीक है। हम अपने लोकल चैनल को इंग्लिश में प्रमोट करेंगे तो अच्छा रहेगा, कॉलेज स्टूडेंट्स स्कूल स्टूडेंट्स इजीली इंग्लिश सीख पाएंगे सर, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो आपको हिंदी अच्छे से नहीं आती क्या? सिर्फ इंग्लिश ही जानती हो? ऐसा कुछ नहीं है सर, हिंदी में मेरी फ्लुएंसी कम है लेकिन इंग्लिश में कन्वीनियंट रहेगा। तो फिर तुम इंग्लिश चैनल में जाके ज्वाइन कर लो। सर मैंने कहा ना आप निकलो। सर हिंदी या इंग्लिश से क्या फर्क पड़ता है, बस लोगों तक सही जानकारी पहुंचनी चाहिए। देखिए मुझे अच्छी हिंदी वाली ही चाहिए, चलो निकलो। इन लोगों की वजह से आज हम इतने पीछे हैं। सर आपको उसे थोड़ा प्यार से समझाना चाहिए था। तू आ गया मुझे ज्ञान देने। आजकल बीबीसी चैनल में हर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके सुनने का प्रोग्राम बना रहे हैं, समझे कुछ? ये बताओ रशिया जापान जो लोग वहाँ पैदा हुए हैं उनकी भाषा में कोई प्रॉब्लम है क्या, जो वो सब लोग इंग्लिश में बात नहीं करना चाहते? मुझे हिंदी नहीं आती ये बोलना आजकल फैशन हो गया है, हमें अपने ही लैंग्वेज में बात करनी चाहिए। हम अपनी भाषा में बात नहीं करेंगे तो और कौन करेगा बताओ? उन्होंने सही कहा लेकिन मेरे इंटेंशन को नहीं समझ पाए वो। मैं बस इतना चाहती हूँ कि समाज में ये जो लड़कियाँ हैं उनके अंदर बदलाव आना चाहिए। सुपर्ब है। मैं जो कह रही हूँ आप सुपर्ब। अच्छा, बोल रहे हो। ये बताइए बदला कैसे लेना है? मैं हिंदी का एक ट्रैवल ऐप बनाना चाहती हूँ
आपको सिनेमेटोग्राफी में इंटरेस्ट है ऐसा कहा था ना? क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ हाँ सही कह रही हैं। तो हम दोनों मिलकर एक ट्रैवल ऐप बनाएंगे। बनाएंगे, बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। सो नेक्स्ट वीक में प्लान बनाकर आपको अपडेट करती हूँ। या ओके। तो डील पक्की। मुझे ऐसा लग रहा था कि लाइफ में मुझे सब कुछ मिल गया, लेकिन एक बात मुझे हमेशा डिस्टर्ब करती थी कि मेरे पेरेंट्स कुछ भी नहीं जानते हैं। अब मुझे उन्हें कन्विंस करना पड़ेगा या फिर मुझे कन्विंस होना पड़ेगा। भाई मैं तेरे भरोसे पे आया हूँ यार, बता ना यार कुछ। तू चिंता मत कर यार, मेरे दिए हुए आइडिया से तेरे पिताजी 70s में आए रेनबो फिल्म के बाप के जैसे। ए, इसके अंदर कुछ तो खास बात है। यमहा की बाइक रखी है, मेरा बेटा बहुत बड़ा स्ट्रीट रेसर है। ऐसा बार बार दिन रात बकते रहेंगे तो देख लेना। उसके लिए तुझे कुछ करना होगा। वो क्या है कि हिंदी फिल्म में जैसे बाप बेटे के सेंटीमेंट्स होते हैं बिल्कुल वैसा ही, कुछ इस तरह। गलती आपकी है, मैंने तेरी पढ़ाई लिखाई करवाई, इसमें क्या गलती है बोल? क्या पढ़ाई करवाई आपने? मैं MBBS करना चाहता था, लेकिन आपने क्या किया, मुझे BA करवाया। आने जाने वाले लोगों को बुलाकर उस जमाने में स्कूल जाते वक्त। इस तरह के हिंदी फिल्म में आए डायलॉग को तू सोच समझ कर एडिट करके बोल देना, नहीं तो लफड़ा पक्का होगा। ये भी ना, बादाम वाला दूध, इसे कहीं लेकर जाओ भाई, कल मैं एक शॉर्ट फिल्म बना रहा हूँ, सीन सुनोगे तो शॉक हो जाओगे। मैं कह दूंगा सारी गलती आपकी है, और गलती तो उन्हीं की है ना, ये ठीक रहेगा। अरे बाप रे। ओके भाई, जरा इसका आने का टाइम देखो। ए, ये तुम्हारा आने का समय है। अबे हिल मत, तुझे अभी डायलॉग डिलीवरी भी करनी है। ए, क्या सोच रहे हो तुम अभी? हाँ? पापा मैं अपने दोस्त के यहाँ था। हमेशा दोस्तों के चक्कर में, और ये बाइक किसकी है? अबे बोल ना, फ्रेंड की है पापा। हमें अपने जमाने में किसी से कुछ मांगने में कितनी शर्म आती थी पता है? पापा पापा पापा, मेरा फ्रेंड एक हफ्ते के लिए बाहर गया है, इसलिए उसने मुझे ये दे दी। अच्छा ऐसा है, बाइक तो बहुत अच्छी है बेटा। हाँ, है ना पापा? कलर भी बहुत अच्छा है। है ना पापा? तुम्हारे लिए सुपर है। थैंक यू पापा। इस बाइक की कीमत कितनी है? 3.5 लाख पापा। फालतू। अच्छा ये बता, तेरे नाम पे लोन ले सकते हैं क्या? पापा पापा, मैंने कोई लोन नहीं लिया है। ए, ये पूछ रहा हूँ कि तेरे नाम पे लोन ले सकता हूँ? क्या है कि इस घर का लोन मैं एक साथ खत्म करना चाहता हूँ। क्या सोच रहे हो तुम, ये सब तेरे लिए ही है, ये घर तेरा ही है। लोन ले सकते हैं, मैंने तो पहले ही लोन लिया है, अब क्या होगा मेरा? अरे उधार लेना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्त, तू अपने ऑफिस से, हमारे सर्कल से, बाहर से कोई ब्याज में पैसे देता होगा। भोलेपन का थोड़ा नाटक कर, बोल इमरजेंसी है, पक्का वापस दे दूंगा, ऐसा बोल कर मांगना, फिर तो जरूर मिलेगा, मांग के देखना। इसके लिए तुझे इतना फील करने की जरूरत नहीं है। क्या सोच में पड़ गया, कैसा लड़का है यार तू, कमान थोड़ा यहाँ वहाँ से लेके मैनेज कर दूंगा। ये सोच में पड़ गया लगता है। एक इमरजेंसी है यार। सुपर। कुछ प्रॉब्लम भी है। अब आया ना लेवल पे। अगले महीने कैसे भी करके लौटा दूंगा। सिर्फ 1 लाख रुपए ही तो अरेंज करना है यार। ये क्या यार? मैं जानता हूँ तू मुझे मना नहीं करेगा। तू तो मुझसे ही मांगने लगा। भाई तू अरेंज कर सकता है। ए! अरे यार 10 रुपए रखे थे, कहाँ है? वही ले जा। भाई मैंने आपसे बात की थी ना, पहचान वाले लड़के हो इसीलिए कम ब्याज में 10 पैसे के ब्याज पर दे रहा हूँ। 10 पैसे मतलब? 10 लाख पे 10,000 रुपए। 10,000 रुपए भैया? क्या क्यों भैया, इससे भी कम चाहिए? ये भी कम ही है। पैरों में दर्द हो रहा है यार, मुझे फुट मसाज चाहिए। अच्छा सुन यार, मुझे तुझसे थोड़ी हेल्प चाहिए थी। हम दोनों ने साथ में लोन लिया यार, मैं पूरी हेल्प करूंगा, तू बोलना। मुझे 3 लाख की जरूरत है। 3 लाख? थोड़ी घर की प्रॉब्लम है, समस्या खड़ी हो गई है। तूने ही तो लोन लिया है ना, 3 लाख रुपए दे देगा तो बाकी का मैं मैनेज कर लूंगा। मैं जानता हूँ तू मुझे कभी मार कर ही मारेगा। सुन ना, भागने में भलाई है।
तुम दोनों का भी कंफर्म नहीं हुआ है, अभी से इतना उछलने की जरूरत नहीं है। मैंने निर्मल से 3 लाख रुपए ले लिए और तुमने 80,000 देने का वादा किया था। पैसा देना कोई बड़ी बात नहीं है, 10 तारीख को वापस कर देना। हाँ, लेकिन मुझे ट्रेनर के बारे में सोचकर डर लग रहा है। ब्रो, आप तो कंफर्म हो, ट्रेनर कैसा है बताइए ना। तुम्हें इंग्लिश आती है क्या? मेरी तो नौकरी गई। ये वाला पेपर? नहीं नहीं, ये मैंने नहीं बोला था। अच्छा, तो ये वाला? अरे ये भी नहीं भाई, मैंने कुछ और ही बोला था। एक्चुअली वो दूसरा है। जरूर ये वाला। नहीं नहीं, ये भी नहीं है। तुम पहले रिवर्क करके आओ, उसके बाद मुझे दिखाना, ठीक है? कॉलेज का रिकॉर्ड लेने के लिए क्यों घुमा रहा है? इस कार में फैसिलिटीज क्या क्या है कुछ बताओगे? सर, इस कार में एंड्रॉइड ऑटो, ओके, और ये फुल्ली ऑटोमेटिक, और गियरबॉक्स भी क्या? नहीं नहीं, वो तो मैनुअल है ना सर। ओह सुपर। इसकी रीडिंग डिजिटल है सर। वाओ, आप एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। फैंटास्टिक। सर, इफ यू डोंट माइंड, माय कॉल अटेंड कर लो एक प्लीज। बात कीजिए, मैं देख लेता हूँ। हेलो, कल मिल जाएगा? इवनिंग में सर, मिल जाना शाम चाहिए। को मिलते हैं ना, मैं 3 महीने में पक्का अरेंज कर दूंगा। हेलो, सॉरी सर। पापा, पापा। क्या है बेटा? वो लोन अमाउंट का 6 लाख रुपए आपके अकाउंट में भेज दिया है। हाँ बेटा, मैंने देख लिया। क्यों बेटा, बस पिताजी को ही लोन दोगे, माँ को कुछ नहीं दोगे क्या? ऐसा क्या, बस एक जान बची है वो भी ले लो। मैंने सोचा था उधार लेके पैसे दे दूंगा तो घर की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, लेकिन उसके बाद ही तो प्रॉब्लम शुरू हुई। मेरी जो सैलरी थी वो मुझे अपने घर में देनी पड़ती थी, इसीलिए मुझे अपने उधार को चुकाने के लिए पार्ट टाइम जॉब करना पड़ा। हेलो, हाँ मैडम, मैं लोकेशन पे पहुंच गया हूं। भाई, 5 तारीख तक ब्याज आ जाना चाहिए। वादा किया था। मैं अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहा था और सब कुछ गड़बड़ होता जा रहा था। अब बहुत लोगों से उधार ले चुका था मैं, ये बात अगर घर में पता चली तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा था लेकिन कहीं से कोई इंतजाम हो ही नहीं पा रहा था। किसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होती है? किसी को पैसों की प्रॉब्लम होती है तो किसी को घर की, किसी को काम की तो किसी को अपने पैशन की, और ये सारी प्रॉब्लम्स जब किसी को टॉर्चर करती हूं और उसी समय अपनी पसंदीदा लड़की का कॉल आ जाए तो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। मैं जब भी उसके साथ रहता था, आई फील लाइट। हमने साथ में एक ब्लॉग स्टार्ट किया और हमेशा मुझे उसके साथ रहने का दिल करने लगा। सुपर्ब है। स्टार्टिंग में मैं उसके साथ फ्रेंडली था लेकिन उसकी आंखों में अपने लिए प्यार देखने के बाद अश्विन का है। अभी भी तुम क्या फिल्म के हीरो के जैसे आ रहे हो? आज से हमारी तकलीफ दूर हो जाएगी। वो कैसे यार? हमारे एरिया में बाइक रेस हो रही है, अश्विन उसमें शामिल होकर जीत जाएगा तो हमें 10 लाख मिलेंगे। तब तो 3 लाख भी मिल जाएंगे। लेकिन उसमें थोड़ी समस्या है भाई। अब कैसी समस्या? एंट्री फीस 50,000 भरने। अरे तू जा। अरे भाई सुनना, वो 50,000 भी हमसे ही मांगेगा यार। वो जरूर जीतेगा दोस्त, ये सब सेट नहीं होने वाला यार। बहुत अच्छा रेसर है यार। तूने देखा है क्या? देख ले, ये आराम से बैठा हुआ है, हम पैसों को लेकर कितना परेशान है, और ये आराम से गाने सुन रहा है। मैंने बहुत बड़ी गलती की, किसके साथ मिलकर लोन ले लिया और वापस ने सुन लिया। क्या हुआ? क्या अश्विन, हम खाना खाने चलें क्या? अरे छोड़ना यार दोस्त, मेरे एरिया में स्ट्रीट रेस है, मेरा दोस्त करवा रहा है, तुम शामिल हो जाओगे तो जीतोगे। नहीं यार, वो प्रोफेशनल नहीं है, सेट नहीं होगा। हे भगवान, मैं तो बच गया। अरे तू चुप कर यार, मैं देखूंगा। ए, अमाउंट सिर्फ 3 लाख ही रहना चाहिए, 3.5 लाख मत करना। उससे बड़ा एक सीरियस मैटर है।
वो क्या है? टीम मीटिंग है यार। ट्रेनर क्या कहेंगे समझ में नहीं आ रहा है यार। क्या हुआ, क्या डिस्कशन हो रहा है? सर यहाँ काम नहीं हो रहा, बस इतना ही ना? कुछ नहीं। ऐसी क्या सीरियस बातें कर रहे हो, मुझे भी बताओ। हाँ डिस्कस करते हैं, आ जाओ। अरे यार सो ये स्ट्रीट रेस जीत जाएगा तो पैसे मिल जाएंगे। हाँ, ना? सर तुम शामिल क्यों नहीं हो रहे हो? सर स्ट्रीट रेस प्रोफेशनल नहीं होती है। यस सर, स्ट्रीट रेस ही प्रोफेशनल स्ट्रीट रेस होती है, जानते हो? मेरे दिल्ली में काम करते वक्त मेरा एक कलीग प्रो स्ट्रीट रेसिंग के बारे में बताया था। लाइक वर्ल्ड वाइड लीगली रेसिंग से ये बहुत एक्सीडेंट हो रहा है ना, वैसा एक्सीडेंट होने से रोकने के लिए अलग प्लेटफॉर्म क्रिएट करके देने के लिए एक बाइक कमेटी प्रो स्ट्रीट रेसिंग को लीगली कंडक्ट कर रही है। ऑलरेडी कुछ कंट्रीज में ऐसी रेस चल रही है, लाइक आई लव मैन, ड्रग रेस, मोटो क्रॉस। लेकिन ये प्रो स्ट्रीट कुछ कंट्रीज में ही नहीं, वर्ल्ड वाइड में ऐसी बाइक रेस को ऑर्गेनाइज करते हैं। इवन नॉर्थ साइड में ऐसी रेस कंडक्ट किए हैं, नेक्स्ट ये लोग साउथ में भी कंडक्ट करेंगे। लेकिन इसमें बहुत सारे रेसर शामिल नहीं होते, एक सर्टिफाइड कोचिंग साइन करें तो ही उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जितना पता था उतना बता दिया, अब आगे तुम लोग को जो करना है वो करो। भाई भाई आप जो चाहें वो हो सकता है, बस रॉबिन की एक साइन फिर हम इसमें शामिल हो जाएंगे, और आपके रिकमेंडेशन वो तो कभी मना ही नहीं करेंगे। ए, तुझे काम मिल गया ना, जा जा अपने काम पर ध्यान दे। भाई दुनिया की सबसे खतरनाक बात पता है क्या? क्यों भाई, मेरा डायलॉग मुझे सुना रहा? भाई मान जाइए ना भाई। अरे ये तो मुझे नहीं छोड़ेगा, ठीक है जा मैं बात करूंगा। थैंक्स भाई। यस पागल कहीं का। रेस में तेरा क्या एक्सपीरियंस है? तुम्हें डिस्करेज करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन तुम्हें कुछ होना नहीं चाहिए। समटाइम्स यहाँ प्रोफेशनल्स को भी बहुत चोटें लगती हैं, जान भी चली जाती है। और सिर्फ यही नहीं, तुमसे छोटी उम्र वाले भी रेस में शामिल होंगे। इस एज ग्रुप में तुम कुछ बड़ा नहीं कर सकते। मैंने तो किसी छोटी रेस में भी पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन स्ट्रीट रेस प्रोफेशनल होती है ये जानने के बाद थोड़ी होप जागी है मुझ में। मेरे पापा मुझे बचपन से कहते आए कि अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, इससे तुम अपनी पसंद का कोई भी काम कर सकते हो। लेकिन मुझे ये समझ आ रहा है कि मुझे अपने पसंद का ही काम करना चाहिए। मुझे जीत हार की कोई चिंता नहीं है, एटलीस्ट मैं अपने आप को प्रूफ तो कर पाऊं, बस यही चाहता हूं भाई मैं। हाँ देखता हूं। I will be ready quite soon. I will let you know when I am done. Okay, you please go ahead. Thank you. पूरा पढ़ लिया क्या? हाँ पढ़ लिया सर। Normally जिन्हें हम नहीं जानते उसे allowed नहीं करते। Robin मेरा close friend है, तुम उसके student हो इसलिए तुम्हें allow कर रहा हूँ। और एक बात, तुम्हें इस race के rules के बारे में पता ही होगा, फिर भी एक बार उसके बारे में बता देता हूँ। इस pro street race में 6 month का trial होगा। एक trial 5 किलोमीटर का, एक राइडर को 2 ट्रायल का चांस मिलेगा। इसमें 300 टू 600 सीसी की बाइक अलाउड होगी। द टॉप 5 ट्रायल्स टाइमिंग विल बी सिलेक्टेड फॉर द फाइनल रेस। जो भी फाइनल में होंगे 3 महीने के बाद फाइनल यरकार्ड हिल में होगा। होप यू सी द फाइनल। थैंक यू सर। हेलो सर। हाय सैम। ये क्या है सर, आपकी परमिशन के बिना मैं रेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता? देख लेना मेरा नाम भी लिस्ट में होगा। रेस में तुम्हें शामिल नहीं करना, ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। ऑलरेडी एसोसिएशन में तुम्हारा ब्लैक मार्क है, तुम इलीगल रेस करते हो। वो मेरी मर्जी है सर, आप लीगल जाओ और मैं इलीगल जाऊंगा, ठीक है? तुम्हारी मर्जी, तुम लोगों की वजह से ही दूसरे लोगों को प्रॉब्लम होती है। तेरे को तो सबक मैं सिखाऊंगा। चल सर। अशरफ जस्ट अ सेकंड। ओके अश्विन ये एप्लीकेशन उनको दे दो, ठीक है? ओके सर। ये कौन है सर, आपका स्टूडेंट क्या? बेंगलुरु में रॉबिन नाम के एक कोच है, ये उनका स्टूडेंट है। ओके गाइस चलता हूं। हाय ब्रो। हाय, क्या तुम ट्रैक रेसर हो? हाँ ब्रो, मैं अंडर 16 में शामिल हुआ हूँ। मैं जानता हूँ तुम उस बैच में नहीं थे। नहीं ब्रो, मैं अंडर 16 में ही शामिल हुआ हूँ। लेकिन उस बैच को तो मैं अच्छे से जानता हूँ, तुम उसमें नहीं थे। मैंने तुम्हें वहाँ कहीं नहीं देखा। ब्रो एक्चुअली मुझे रेसिंग बहुत पसंद है और ये मेरी पहली रेस है। अच्छा आप रेसर हैं ना ब्रो? 3 times चैंपियन। 3 times ब्रो, आपको देख के तो ऐसा लगता ही नहीं है। तो देखने में कैसा लगता हूँ? हाँ
नहीं ब्रो, मैंने उस इंटेंशन में नहीं बोला। ए चल निकल, ए घूर क्या रहा है? सैम, ए छोड़ना, रेस में देख लेंगे। जा रहा है, फोकस कर, फोकस कर, तू कर लेगा, फोकस कर, बस फोकस कर, फोकस करना है। ए सैम, क्या कर रहा है यार तू, सब बेकार कर दिया। फर्स्ट चांस ही मिस कर दिया मैंने। देख वहां खड़ा है। ए, ये तो मुंह लटका खड़ा है। ट्रैक में आसानी से मैं कट करके निकल गया। मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैंने ही रखा था। राइडर नया है, बेचारा फंस गया। क्यों राइडर, तुम तो फंस गए ना। एक्चुअली तुमसे मैं कुछ कहना चाहता हूं। हाँ, बाइक चलाना ना आए तो रेस में शामिल नहीं होते हैं। तुम्हारे जैसे नौसिखियों की वजह से लड़के अक्सर रेस में हार जाते हैं और रेसिंग से डरकर बाइक चलाना छोड़ देते हैं। जाओ, रेसर गेटअप से नहीं बाइक चलाने से बनते हैं, चल जा। ए, सिर्फ बाइक पर बैठने से कोई रेसर नहीं बन जाता है। इसे तो मारना चाहिए भाई। हाँ? इसे मारकर क्या फायदा यार, कोई भी कुछ ना कुछ तो कहता रहता है। उसकी बात भी सही है यार। ठीक है अश्विन, तुम निकलो, जाओ। भाई क्या है ये? क्या भाई भाई, एक बात जो हमें पसंद है वो हम आसानी से कह सकते हैं। तुम बेस्ट हो, प्रूफ करने के लिए तुमसे ज्यादा मेहनत तो किसी को नहीं करना चाहिए। वैसे तुमने रेस के लिए कितनी मेहनत की है बताओ। जाओ जाओ, प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। ट्रायल्स के लिए अभी कितने दिन बाकी हैं? 6 महीने हैं भाई। 6 महीने है ना, मैं रॉबिन से बात करता हूँ, तुम उसके पास जाकर प्रैक्टिस करो, ठीक है ना? सिर्फ 6 महीने बाकी हैं कह रहा है, आगे क्या करेगा पता नहीं। तुम मुझे इतनी देर से क्यों मिली? अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी होगी। ओके 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 रविन, हाँ 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 अश्विन, उसने हाँ कह दिया, लेकिन 2 महीना लगेगा कह रहा है, लगता है वो किसी काम में बिजी है। हमें तो 4 महीने मिलेंगे ना, क्यों, ठीक है ना? ठीक है भाई। आज से मैं तेरा कोच हूँ। एक बाइक का जो ब्रेक के साथ कनेक्शन होता है वही हम दोनों का भी है। फर्स्ट स्टार्ट, रेडी गो। दूसरा होता है बैंड। अभी तुम यहां से बैंड करोगे, इन साइड से शुरू होकर आउट साइड में खत्म होना चाहिए, समझे? रेसिंग में रिएक्शन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस टू बी हियर। 1 सेकंड में तेरी लीड चली जाएगी। अगेन, सिर्फ स्ट्रेट लाइन में स्पीड स्किल नहीं है, कनिंग करते वक्त जिस स्पीड से ब्रेक लगाते हो वो उसमें है। वन मोर लास्ट, उसके बाद तुम्हें करेक्ट रेसिंग लाइन में आना चाहिए। अगेन अगेन,
तुम्हें बैलेंस और ब्रेकिंग दोनों में बैलेंस कैसे करना है वो तुम्हें ढूंढ के निकालना होगा। ये जो तुम सोच रहे हो ये 2-3 दिन में सीखने वाला मामला नहीं है। तुम्हारी ये टेक्निक तब वर्कआउट होगी व्हेन यू बोथ गेट कनेक्टेड। पोजीशन, यू रेडी, गो। तुम कितनी प्रैक्टिस करते हो जरूरी ये नहीं है, जरूरी है तुम्हारा फॉर्म में आना। कई लोग प्रैक्टिस सालों तक करते हैं लेकिन वो कितनी देर में फॉर्म में आते हैं ये उनके हाथों में है। इस रेस सिचुएशन में कुछ भी हो सकता है लेकिन इसके हिसाब से रेस, स्पेस और डिफेंस तुम्हें ही अडॉप्ट करना है। यह ट्रैक ही तुम्हारे लिए बैटल फील्ड है। क्या हुआ भाई, बहुत परेशान लग रहा है। क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। किसी भी हाल में मुझे ट्रेनर काम से निकाल देगा। 80,000 रुपया मुझे कैसे भी एडजस्ट करके दो। ठीक है ठीक है, मैं बहुत जल्द अरेंज करके देता हूँ, तो बस थोड़ा और वेट कर यार। पता नहीं मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। तो तूने प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए उस बाइक रेस में शामिल होने का फैसला कर लिया? हाँ यार। इसमें जीता तो कितने पैसे मिलेंगे? 10 लाख यार। 10 लाख रुपए? एंट्री के लिए 50,000 मांग रहे। दोस्त कैसे भी जीत जाना, सबसे पहले उनके पैसे लौटाने हैं। किसका यार? मेरा पैसा है दोस्त, 1 लाख रुपए दिए थे ना। ए, तू मुझे पैसों के लिए टॉर्चर करेगा? ऐसे ही मांग लिया यार, तू तो मस्ती कर रहा बस। मैं तुम्हें याद दिला रहा था बस। अच्छा भाई, तूने स्ट्रीट रेस के लिए बोला था ना, वो कब है? यार तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। क्या बात है भाई, स्ट्रीट रेस के लिए तो मना किया था तूने, अब क्या हो गया? स्ट्रीट रेस भी एक स्पोर्ट्स है यार, इसमें प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशन से ही कंपटीशन करवाया जाता है। इससे हमारे शहर से बहुत सारे टैलेंट निकलते अच्छा? हैं। ये प्लेटफॉर्म अपने आप क्रिएट नहीं होगा, किसी भी जनरेशन को स्टार्ट करना होगा। सही है सही है। कितनी तेजी से जा रहे थे, कुछ कहो तो हम रेसर से बोलकर भाव खाएंगे। नहीं नहीं, रेस इस तरह की रोड पे नहीं होती है, उसके लिए एक ट्रैक बना। ठीक है, तुम अपने ड्रीम के बारे में कब बताओगे? दोस्त आज रात को 8 बजे फॉर्म लेने जाना है। अरे चलेंगे ना भाई, मैं डिलीवरी करके कॉल करता हूँ तुझे। ठीक है दोस्त। ब्रो। हाँ बोलो। मैं आपकी भेजी लोकेशन पे आ गया हूँ लेकिन यहाँ तो चारों तरफ जंगल दिख रहा है। वहाँ ट्रैक दिख रहा है ना? हाँ हाँ। धीरे धीरे धुआं निकल रहा है ना? हाँ हाँ हाँ। वहीं पे आ जाओ। अरे यार ये लोग कैसी जगह पे रह रहे हैं। ब्रो स्ट्रीट रेस का फॉर्म है क्या? फॉर्म तो अभी नहीं है। हे, क्या हुआ? एक मिनट दोस्त। ब्रो स्ट्रीट रेस का फॉर्म नहीं है क्या? नहीं ब्रो, कोई फॉर्म नहीं है। ये लीजिए फोन, बात कीजिए। हाँ हेलो। हाँ बोलो ना यार। अच्छा ओके ठीक है, करता हूँ मैं। ब्रो क्या? ब्रो नवल के दोस्त तो पहले बोलना था ना। थैंक यू ब्रो, ऑल द बेस्ट। मिल गया ना। सेलेक्ट हो जाऊंगा ना भाई? टेंशन मत ले, जरूर होगा। किसी भी प्रॉब्लम के बारे में आप नहीं जानते लेकिन आपके अंदर एक छोटा सा बदलाव सारी प्रॉब्लम खत्म कर देता है। फीलिंग पॉजिटिव। थैंक यू। अभी ओके? बस एक बार कोच ओके बोल दें। कोच एक स्ट्रीट रेस टूर्नामेंट है, मैं उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। नहीं 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 नहीं, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मैं प्रैक्टिस कर लूंगा। मैं स्ट्रीट रेस के लिए इनकरेज नहीं करूंगा, बट अगर तुम्हें पार्टिसिपेट करना पसंद है तो उसके लिए फ्रीडम है। हम्म,
ये मेरा दोस्त है, सब इसने ही किया है। थैंक यू ब्रो। थैंक यू किस बात का, एक रेसर को दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। आप भी रेसर हैं क्या ब्रो? मैं रेसर नहीं हूँ, मैं बेटर हूँ ब्रो। बेटर मतलब? बेटर मतलब जहाँ जहाँ स्ट्रीट रेस चलती है ना, वहाँ अच्छी बाइक चलाने वाले को चुनकर उस पर बेट लगाकर उसे रेस जिता देते हैं। अच्छा ब्रो, इस तरह की कई रेसें होती हैं क्या, इसमें शामिल कैसे हो सकते हैं? अरे कितने सवाल पूछता है, इससे पहले कितनी रेस कर चुके हो? ये मेरी फर्स्ट रेस है। अच्छा वो तूने बता दिया। क्यों ब्रो? मैं तेरे ऊपर बेट लगाने वाला था, तूने तो कहा था ये बहुत अच्छा रेसर है। बहुत अच्छा रेसर है दोस्त। तो बता तूने कब देखा इसे? मैं कह रहा हूं ना बहुत अच्छा है। ब्रो वो सब छोड़िए ना प्लीज, ये सब अरेंज कौन करता है, इसके रूल्स क्या होते हैं? अरे ये कौन है भाई, बहुत ज्यादा सवाल करता है। मेरी बात सुन ब्रो, हमारा एरिया गैंग है, जैसे फुटबॉल क्रिकेट का टूर्नामेंट होता है वैसे ही हम लोग साल में एक बाइक टूर्नामेंट करवाते हैं। सब इसमें शामिल नहीं हो सकते, हमारे सर्किल के जाने माने बाइकर्स को ही इसमें चांस मिलता है। सिर्फ हम ही नहीं चला रहे हैं, हमारे भी कुछ सपोर्टर्स हैं, हमारे एरिया के समाज सेवक कुछ पैसे वालों की परमिशन से टूर्नामेंट करवाते हैं। वो हमें क्यों सपोर्ट करते हैं? हम प्रॉपरली रूल्स एंड रेगुलेशन से रोड को ब्लॉक करके एम्बुलेंस तक रेडी करके नीटली टूर्नामेंट करवाते हैं। ये टूर्नामेंट हम 7 साल से करवा रहे हैं, इसमें 200cc की बाइक ही शामिल हो सकती है। तुम 200cc मांग रहे थे ना, इसे मैंने अपने हाथ से रेडी किया है, चला कर देख लो, जाओ। आपके जैसे 100 बाइकर्स ये एंट्री फॉर्म खरीदते होंगे, ये 100 बाइकर्स का बैच बेस्ट टाइम में आने वालों में से 25 बाइकर्स को सेलेक्ट करेंगे। दोस्त बेस्ट टाइमिंग लिस्ट पे तुम आ गए हो, उसमें तुम सेलेक्ट हो गए हो। ये सेलेक्ट हुए 25 लोगों को 5-5 करके हम उनका क्वार्टर फाइनल करवाएंगे। इस क्वार्टर फाइनल में जो जीतेगा वो सेमीफाइनल में जाएगा। सेमीफाइनल में जीते हुए 5 बाइकर्स फाइनल में जाएंगे और फाइनल जीतने वाला ही विनर होगा। ठीक है ब्रो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, हम रेस के दिन ही मिलेंगे। ए, भाई को मिठाई खिला। लो भाई। 7 साल से टूर्नामेंट करवा रहे हैं, इस साल भी कोई समस्या नहीं होगी और अच्छे से करवाऊंगा, वादा करता हूँ मैं। ठीक है भाई, कोई तकलीफ नहीं होगी, हम लोग संभाल लेंगे, संभाल लेंगे, संभाल लेंगे, संभाल लेंगे। दोस्त तुम ही जीतोगे, मास है तुम्हारे साथ। भाई तू जीता तो मैं अपना पैसा मांग लूंगा। हाँ? सच तो बोला मैंने। हे, इतने सारे लोग आए हैं। दोस्त तुम ही जीतोगे यार। भाई तू जीतेगा, जरूर जीतेगा। अभी एक रेस खत्म हुई है, नेक्स्ट 8 तारीख को एक रेस है। उसके बाद 12 तारीख को एक रेस और 15 तारीख को एक रेस है। फिर 20 तारीख को एक रेस, उसके बाद सेमीफाइनल।
इससे पहले मेरा दोस्त तुमसे मिलना चाहता है। मैं तुझे कुछ और ही समझा था। तू तो बहुत अच्छा बाइकर है, जो भी तेरी टाइमिंग देखता है ना वो पूछता है कौन है ये। मैंने तेरा टैलेंट देख लिया है, तू सेकंड सेमीफाइनल में आ रहा है। फर्स्ट सेमीफाइनल 2 तारीख को है। सेकंड सेमीफाइनल उसके 1 हफ्ते बाद है। टाइम है, अच्छे से प्रैक्टिस करो, जरूर जीतोगे। कोई भी मदद हो तो हमसे मांगना। तुम लोगों ने कुछ भी गलत नहीं किया है, इसलिए किसी से डरने की जरूरत नहीं है। याद रखना, अगर लोग कुछ बोलते हैं उनको बोलने दो। दुनिया का काम है सिर्फ बोलना। वो लोग तो विरोध करते ही हैं। सोचो मत, बाज की तरह उड़ो, उसकी तरह अपने मन से डर पूरी तरह से निकाल दो। क्यों दोस्त, सब ओके है ना? हम जीत जाएंगे ना? मैंने कहा था ना, याद रख, तू लेफ्ट मैं राइट, उसे चक्कर में डाल देंगे। चल एक सेकंड। तुझे टीका लगा दूं? हाँ क्यों नहीं, खुश रहो। तुम सब कुछ बताते हो पर अपने ड्रीम के बारे में कभी नहीं बताते। वेट करो, बहुत जल्दी बता दूंगा। खैर वो सब छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया हूँ, वही बताने के लिए तुम्हें कॉल किया था। देखो तो, अंडर 16 चैंपियन है। अरे यार जरा इसे देख, R3 बाइक रख के डिलीवरी करता है, कॉस्टली डिलीवरी बॉय है ये। किसे घूरा बे? उस दिन घूरा था तभी मारना चाहिए था। पता है अब तू अपनी औकात वाला काम कर रहा है।
क्यों रे, गुस्सा आ रहा है क्या? मुझे मारने का मन भी कर रहा है, अब इसी गुस्से में तू रेसिंग भी कर सकता है क्या? यस बोल दे। यस बोलना। और अगर रेस में हार गया तो मुझे अपनी बाइक दे देना। भाई मारो मत इसे, EMI पे बाइक खरीदी इसने बेचारा। ए, फिल्म देखने का टाइम हो गया रे, चल जा रहे हैं। चल। क्या यार? ठीक है, मैं देख लूंगा। कुछ लगता है मैं रेडी हो गया हूं। किस लिए? अगर मैं उस सैम के साथ 1-on-1 रेस करूंगा तो मैं जरूर जीत जाऊंगा उसे। नहीं अश्विन, वो नहीं चाहिए। क्यों कोच? मुझे भरोसा है मैं उससे जीत जाऊंगा। तुम पहले क्या कह के आए थे? प्रो स्ट्रीट में पार्टिसिपेट करने के लिए। फिर तुम उसके बारे में क्यों सोच रहे हो? सिर्फ तुम ही नहीं, इस लाइफ में बहुत से लोग हैं। एक बात को स्टार्ट करके उसे भूलकर फालतू में किसी और से मुकाबला करके उसे जीतना ही अपनी जिंदगी का मकसद बना लेते हैं। ये ड्रीम नहीं है, ईगो। लाइफ इज नथिंग विद ईगो। तुम्हें किसी से जीतना नहीं है, अपने आप से जीतना है। जस्ट गिव इट ऑल। इनकी बात भी बिल्कुल सही है। मैंने किसी के बारे में नहीं सोचा और अपनी लाइफ को कूल हैंडल किया, और साथ ही साथ अपने लव को भी। हेलो सर, कहाँ हो आप? हे, कल रात मुझे एक सपना आया था। हम दोनों एक लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं। मेरा सैम पे गुस्सा खत्म नहीं हुआ, लेकिन वो गुस्सा कहाँ दिखाना है मुझे पता है। और ये क्या साउंड क्यों नहीं आ रहा? मुझे इन्फॉर्म करना होगा। हेलो हेलो हेलो, कार पास हो रही है। हेलो, अरे मैं तो गया काम से। Woo-hoo!
उस वक्त मुझे मेरे पिताजी याद आ रहे थे। आज से ये रेस मोटोजीपी सब छोड़ना होगा, तुम मेरे इकलौते बेटे हो। हेलो कोच। हाय अश्विन, आने वाले 16th को तुम फ्री हो क्या? हाँ फ्री हूँ कोच। कांग्रेचुलेशंस अश्विन, ट्रायल्स में बेस्ट टाइम में क्वालिफाई किए हो, प्रो स्टेट फाइनल के लिए सिलेक्ट हो गए हो। कांग्रेट्स मैन, गुड जॉब, आज मैं बहुत ही खुश हूँ। थैंक यू कोच। तो तुम फाइनल के लिए रेडी हो? कोच एक बार मैं घर पे बात कर लूँ क्या? ठीक है, पूछ के बताओ। ओके। ये वक्त सही है, इसी से मैं बता देता हूं इन्हें। पापा? पापा, मैं पिछले 2 दिनों से आपसे एक बात बताना चाहता हूं। मैं भी तुम्हें एक बात बताना चाहता था। आ जाओ बैठो। तेरी मां को 2 फोटो दी है मैंने। कैसी फोटोस पापा? गांव की एक लड़की है, पैसे वाले की बेटी है। मुझे और तेरी मां को वो लड़की बहुत पसंद आ गई है। साल कैसे बीत रहा है पता नहीं। तेरी शादी का समय आ गया, उसके बाद तेरी अपनी जिंदगी, तुम खुशी से जिंदगी जी सकते हो। तुम इतने डल क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं पापा, कुछ नहीं। अरे सुनती हो, जरा अपने बेटे को देखो, जा बेटा। अरे बेटा। हाँ पापा। तुम कुछ कहना चाहते थे? कुछ नहीं पापा। अच्छा, मेरा एक पोता हो गया तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। पापा को कैसे बताऊं यार, मुझे समझ भी नहीं आ रहा। कैसे भी तो अपने पिता को कन्विंस कर यार। उन्होंने सारा प्लान बना के रख लिया है। ठीक है, तू अपनी माँ से बात कर। ये अच्छा नहीं है यार, पापा नहीं मानने वाले हैं। ये बात तू जानता तो फिर मेरी जान क्यों खा रहा है? इस घर में कुछ ना कुछ तो अपशगुन हो रहा है, लगता है कुलदेवी के मंदिर जाना होगा। माँ। बेटा मन बहुत घबरा रहा है मेरा। ज्योतिष से मिलने गई थी, उन्होंने कहा है 3 महीने तक तेरा समय खराब है। तुमने वो बाइक अपने फ्रेंड को दे दिया ना? हाँ दे दिया माँ। जो भी करो थोड़ा ध्यान से करना बेटा। अरे मैं चूल्हे पर दूध रख कर आई थी, टाइम ही खराब चल रहा है। बोल के कोई फायदा नहीं। किसी वक्त में कोई फैसला लेके उसे हारने के दर्द से उस टाइम को ही खो दिया, ये दर्द ज्यादा बड़ा है। ये दर्द बहुत से लोगों ने झेला होगा, लेकिन मेरी जिंदगी में क्या होगा मैं नहीं जानता। उन्नीस तारीख को लड़की देखने जाएंगे। इतनी देर से ऊपर क्या देख रहा है? क्या कारण हो सकता है? इससे पूछ ही लेता हूं। भाई लाइफ में इतना स्ट्रेस नहीं लेते यार, उस रेस को एक खराब सपना समझकर भूल जा। ये सब छोड़कर एक नई जिंदगी की शुरुआत कर ले यार। क्या छोड़ने की बात कर रहा है तू? ये कोई सपना नहीं है जो सुबह उठते ही भूल जाऊं, ये मेरे बचपन का सपना है यार। नॉर्मली हम अपने पसंद की ड्रेस, अपने पसंद की चीजें ऑर्डर करते हैं ना, कभी कभी ऐसा होता है कि पसंद नहीं आती, लेकिन हम मन से अनसेटिस्फाई हो जाते हैं। बाइक मुझे बहुत पसंद है, मुझे बाइक राइडर बनना है, ये मेरी ड्रीम है, यही मेरी जिंदगी है। अगर मेरी लाइफ में ये मुझे नहीं मिली तो मैं अपनी लाइफ में कैसे खुश रहूंगा यार। अच्छा हम हैं कौन? चल वो भी छोड़, यहाँ रहने वाले लोग कौन है? हम कौन है? क्या कर रहे हैं? किस लिए यहाँ आए हैं? किसी को कुछ नहीं पता है। सब लोग यहाँ अपने हिसाब से अपनी जिंदगी खुशी से जी सकते हैं, और ये हर कोई जानता है। बिना किसी लिबर्टी के सभी के घर में एक बाउंड्री होती है। अच्छा तुम मुझे गारंटी दे सकते हो क्या कि मुझे एक और जिंदगी मिलेगी? नहीं दे सकते हो ना यार। मुझे ये एक लाइफ मिली है,
इसे मुझे अपने तरीके से जीना है। ठीक है भाई, तू अपने पिताजी से बात करके ये सब बता दे। यार उन्हीं से तो बात नहीं कर पा रहा हूं। इट्स ओके यार, पर तेरा डायलॉग बहुत लंबा था यार। हाँ? क्यों अश्विन, नर्वस हो क्या? तुमने घर में क्या कहा? घर में कुछ नहीं कहा कुछ। फिर कैसे होगा? ये सब किसे बताऊं? बस इसी बारे में मैं सोच रहा था। अपने ड्रीम के बारे में बताओगे कहा था, लेकिन तुम तो यहाँ पर साइलेंट बैठे हो। उसी के बारे में तो बताना चाहता हूँ और इसीलिए तुम्हें भी बुलाया है। पता नहीं तुम्हें पसंद आएगा या नहीं। कोई बात नहीं, कुछ भी हो कह दो। एक्चुअली मोटो जेपी रेसर बनना मेरा पैशन है, लेकिन मुझे घर से कोई सपोर्ट नहीं मिला, इसलिए मैंने कोई कोचिंग भी नहीं की। इसके बावजूद भी मुझे अभी प्रो स्ट्रीट रेस में शामिल होने का एक चांस मिला है। इसमें मेरी जान भी जा सकती है, लेकिन मैं इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता हूं। मुझे जिंदगी भर रेसिंग नहीं करना, लेकिन एक बार मैं इसे ट्राई करना चाहता हूं। अगर तुम्हें भी नहीं पसंद तो मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे साथ लाइफ लॉन्ग ट्रैवल करूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है इसका फैसला मैं नहीं करूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपने पैशन से ज्यादा प्यार करते हो, लेकिन तुम जब भी रेस करोगे तो ये याद रखना कि मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे घर में तुम्हें कोई सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा? हमेशा हर पेरेंट्स की तरह मेरे पेरेंट्स भी अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो भी इसलिए कि वो कोई अच्छी जगह ले सके। लेकिन हमारा ड्रीम हमें सेक्रीफाइस कराता है और इसमें किसी को कोई फायदा नजर आ नहीं रहा है। मुझे ही अपने ड्रीम के लिए करना होगा। क्या भाई, ट्रायल्स में टॉप टाइमिंग उसी की है। वो अभी नया नया है, ट्रायल्स में टॉप टाइमिंग आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, फाइनल्स में देखूंगा उसे। तुम्हारी रेसिंग के ट्रायल्स में टॉप टाइमिंग की वजह से तुम्हें स्पॉन्सर किया है, गेट रेडी। कोच मैं कॉल करके आता हूँ। ओके। हम लोग तो कभी कभार ही मिलते हैं। पिताजी कैसे हैं? पिताजी बिल्कुल ठीक है। फोन पर बातें करते हैं। बेटी किस कॉलेज में पढ़ रही है? कॉलेज में नहीं है, स्कूल में है। अरे ये तो बहुत बड़ी हो गई, तुम कौन से स्कूल में हो बेटा? ए, तुमसे पूछ रहे हैं। वो मैं स्कूल नहीं, मोटर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में जा रही हूँ। क्या कह रही है? इसके पापा ने इसे बिगाड़ दिया है, ये बाइक रेसर बनना चाहती है, इसलिए मोटर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग स्कूल में एडमिशन करवाया है। तो फिर ये स्कूल एग्जाम वगैरह सब? वो सब मैं ऑनलाइन ही कर रही हूँ। क्या जमाना है, मेरा बेटा अश्विन भी ऐसा ही है, कार बाइक रेस बहुत इंटरेस्ट है उसका, लेकिन मुझे डर लगता है इसलिए अलाउ नहीं करता। देखा, उसी का फोन है, अभी उसी के बारे में बात कर रहे थे, सही वक्त पे फोन किया। हेलो पापा, आप घर पे हैं ना? हाँ हाँ, हमारी रिश्तेदार सत्या और उनकी बेटी आई हैं, तुम्हारे बारे में ही बात चल रही थी। अच्छा ठीक है पापा। तुम्हारा काम कैसा चल रहा है बेटा? पापा मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। क्या कहा? मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है पापा। अच्छा बोलो। मैं एक लड़की से प्यार करता हूं। क्या कहा? मैं एक लड़की से प्यार करता हूं। जो बात करनी है घर पे आके करो। माँ कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। माँ चलो ना, वेट करना।
क्या बात है, आप परेशान लग रहे हैं, कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ लेट्स गो, मामा कब जाएंगे? माँ कनेक्ट नहीं हो रहा है यहाँ पर। बेटी क्या बोल रही है? फोन से सर्वर कनेक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए कंप्यूटर मांग रही है। कंप्यूटर? वो तो हमारे घर में है। वो कोई प्रोजेक्ट करके अपना दरवाजा बंद करके चला जाता है। क्या कहा? दरवाजा बंद करके जाता है? मेरे पास एक चाबी है ना। वाओ दादाजी, आप भी बेस्ट फादर हो। माँ देखो कितनी सारी चीजें खरीद कर दी हैं। कहाँ है उसका प्रोजेक्ट? टाइम आपने बिल्कुल सही कहा था, अश्विन को भी बाइक बहुत पसंद है। माँ माँ यहाँ पर आओ। माँ मैंने जो लाइव रेस बताया था वो यही है, फर्स्ट टाइम इंडिया में हो रही है ये। इस राज्य में होने वाली इंडिपेंडेंट प्रो स्ट्रीट रेस है। एक्चुअली वो क्या है ना, प्रो स्ट्रीट रेस फेडरेशन एक ऐसी कम्युनिटी है जो सिर्फ मोटर जीपी रेसिंग ही नहीं, टैलेंटेड स्ट्रीट रेसर्स को भी हाईलाइट करने के लिए वर्ल्ड वाइड बहुत सारे कॉन्टेस्ट करवा रहे हैं। अभी ये हमारी कंट्री में होने वाला है, और पता है वो लोग इस कॉन्टेस्ट को ऑनलाइन में लाइव स्ट्रीम के जरिए टेलीकास्ट भी कर रहे हैं। मेरी नजर में होल बाइकर्स एंड रेसर्स एंड फैंस अभी इसे देख रहे होंगे। तो फिर ये बात सारे लोगों को पता क्यों नहीं चल पाती? माँ ये कोई मूवी है जो इसका प्रमोशन होगा, ये बाइकर्स की लाइफ है। It started and this is gonna be fun. La course de moto mondiale au race est organisée en Inde pour la première fois. Tout le monde pense que c'est Sam, le trois fois champion, qui va encore gagner ce soir. Nous allons bien voir le résultat si ce sera le cas. Mike 3, check. चेक, ओवर। रोड 5 क्लियर, विंड 2 क्लियर। एक गाड़ी पास हो रही है। चेक ओवर, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल।
सुनिए जी। हेलो बेटा, पिताजी छाती पकड़ के गिर गए, मैं क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। तू जल्दी आ जा बेटा, जल्दी आ जाना। तुम्हारे लिए ही ये घर बनवा रहा हूं, वो देखो 50,000 खर्च करके स्टडी रूम बनवा रहा हूं। तुम्हें सर की तरह बड़ा आदमी बनना है, यही मेरा सपना है। अरे सुनो, जरा बेटे को देखो, जाओ बेटा अंदर जाओ। भाई पापा को हार्ट अटैक आया है। कोई बात नहीं, परेशान मत हो, चल चल। उन्हें फेस कैसे करूं समझ नहीं आ रहा, मैंने अपने लव के बारे में भी उन्हें बता दिया है। अरे दोस्त चलेंगे, पहले तू अपना बैग दे मुझे, चल। यार मुझे ये बाइक रेस कुछ नहीं चाहिए, फैमिली मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ भी हो हम वहां चल कर बात करेंगे ना, चल। अरे लेकिन मैं उन्हें फेस कैसे करूंगा। कोई बात नहीं दोस्त, चल। पापा कैसे हैं? प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट कह के तूने हमें धोखा दिया ना बेटा। सॉरी माँ, पापा को हार्ट अटैक आया है ना। क्या कहा? पापा को हार्ट अटैक? जा बेटा अंदर है वो, जाके मिल ले उन्हें। हार्ट अटैक बोल रहा है, मुझे तो बिल देख के हार्ट अटैक आ जाएगा। बहुत कड़क है ये। ए, तुम रेस में गए थे ना? पापा मैं रेस में नहीं, मैं तो काम पे गया था। ए, झूठ मत बोल। क्यों बेटा, पिताजी को कुछ हो जाएगा इसीलिए भाग कर आया है ना? तुमने अपनी चाहत मुझसे छुपाई, क्या मैं इतना बुरा आदमी? पापा ऐसा नहीं है। अरे जा बेटा, कल सत्या की बेटी आई थी, बहुत कुछ बता रही थी मुझे। तुम बच्चों के बीच में ये बाइक वाइक की बातें करता रहता था, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है बेटा। मैंने वैसी जिंदगी नहीं जी है ना, मुझसे गलती हो गई। ठीक है बेटा, तुम जो बाइक चाहते हो उससे बड़ी बाइक खरीद लो, तुम दुनिया के किसी भी रेस में शामिल हो जाओ। अगर तुम बाइक रेस में भाग लिए और भगवान ना करे कि तुम्हारे साथ कुछ हो जाए, तो उसके बाद हम शहर से गांव जाकर किसी को मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। मैं एक गरीब परिवार में पैदा होकर बहुत मेहनत करके पढ़ाई पूरी की, टाउन में सेटल हुआ, फिर मेरी शादी हुई, उसके बाद मेरा एक बेटा पैदा हुआ, उसे मैं जीवन में कैसे आगे बढ़ाऊंगा यह सपना देखता रहा। लेकिन उसका शौक तो बाइक रेस का था। ठीक, उसकी मर्जी है, जो करना है करे। मैंने बिना सोचे समझे करने दिया। उस वक्त उसके ऊपर मैं स्ट्रिक्ट हो गया होता कि ये सब हम जैसे लोगों के लिए नहीं है। काश मैंने ऐसा कह दिया होता, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका बेटा। पापा, ए, तुम मेरे इकलौते बेटे हो, ये रेस वे सब बंद करो। तुमने एक लड़की के बारे में बताया था ना, मुझे उसके परिवार से मिलना है। ठीक है पापा, जाओ। ठीक है। एक बात कहूं, ये मिडिल क्लास की जिंदगी कभी बदलेगी नहीं, वो बाउंड्री के अंदर ही रहकर क्या हासिल करेगा, ऐसा मैसेज दूं क्या? जरूरत नहीं है, चल। ये कभी कंफर्म होने ही नहीं देता। हेलो,
हाँ हाँ बोलो सत्या। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं कुछ भी नहीं, बात करो, उसके बाद मेरे बेटे को देखो कैसा है। मैंने तो उस जमाने में बहुत बाइक चलाई है। ये कोई बड़ी सक्सेस नहीं है, लेकिन किसी भी काम की शुरुआत में किसी बड़ी सक्सेस की जरूरत भी नहीं होती। शिवा भाई ने भी कहा है, हम अपने पैशन में जीत हासिल कर ले तो वो हमारी जीत नहीं होती है, बल्कि हम अपने पैशन को जिंदगी के आखिरी दम तक प्यार करते रहें तो वो हमारी जीत होती है। राइडिंग पे इतना गुरूर है तुझे? अगर वाकई दम है तो चल एक बार फिर से रेस करते हैं। ब्रो, अब मैं स्ट्रीट रेस नहीं करता। भाई ये डार्क रेस क्या होती है?